Assalamualaikum. मैं नंबर कुछ हमाले और मैं सीनियर रजिस्ट्रार हूँ न्यूट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से इस्लामाबाद में. आज का जो टॉपिक है वो जेनेटिक टेस्टिंग पे. जेनेटिक टेस्टिंग एक्चुअली किसी भी बॉडी में जो डिफरेंट जीन्स होते हैं उनके डीएनए होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं. डिफरेंट डिजीजेस का पता उससे चलता है और उसी हवाले से जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं. उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं. एक है होल एग्जोम सिक्वेंसिंग या होल जीनोम सिक्वेंसिंग. होल जीनोम सिक्वेंस में पूरी जीन्स है. ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में 3 से 3.3 बिलियन ऑफ जीन्स हैं जिसमें डिफरेंट उनका मेकअप है जो बेसिक. और इसमें जिस तरह जीन होल एग्जोम सिक्वेंसिंग उसमें 30 मिलियन तक जो है ना हमारे पास एग्जोम्स है. एग्जोम्स एक्चुअली वो प्रोटीन कोडिंग करते हैं. प्रोटीन कोडिंग ये होती है कि बॉडी में जो है ना आपकी हाइट आपका जो आई कलर है आपकी जो फिजिक है वो आपके एग्जोम्स पे होती है. डीएनए जो प्रोटीन कोडिंग होती है उसको तो इसमें भी म्यूटेशन होती है उसको हम देखते हैं होल एग्जोम सिक्वेंसिंग कहते हैं. जो होल जीनोम सिक्वेंसिंग वो होल जीन जो 3 to 3.3 बिलियन जीन्स है उसको हम देखते हैं उनकी बेस सिक्वेंस को देखते हैं. इसकी मिसाल ऐसी है कि फॉर एग्जाम्पल एक सेफ है उसमें क्लॉजेट्स हैं और हर एक क्लॉजेट को देखिए विद प्रिसीजन तो वो है होल जीनोम सिक्वेंसिंग. और आप कुछ क्लॉजेट्स को देख के उनमें से प्रिसीजन से आप देखें तो वो होल एग्जोम सिक्वेंसिंग. तो ये दो डिफरेंस है. होल एग्जोम सिक्वेंसिंग इज एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव. थोड़ा सा अर्ली उसका रिजल्ट आते हैं. जो होल जीनोम सिक्वेंसिंग है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें पूरी आपकी जितनी भी डिजीजेज है वो उसमें कवर हो जाती है. मोस्टली जो कॉमन डिजीज है पाकिस्तान में वो है हमारे पास थैलेसीमिया, हेमिफीलिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस वेरी कॉमन. और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो होते हैं वो कंसंगुइटी की वजह से जनरेशन में स्प्रेड करते हैं. लाइक अगर पेरेंट्स दोनों में वो म्यूटेटेड जीन है तो वो आगे ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट करते हैं. तो इसलिए ये जो है ना कजन मैरिज को मोस्टली अवॉइड करना चाहिए. और या अगर ना भी अवॉइड करें तो प्रॉपर जेनेटिक स्क्रीनिंग या प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी है वो करनी चाहिए. तो ये एक अवेयरनेस की जरूरत है कि जो भी इस तरह की डिजीज जो आगे स्प्रेड होती है. अच्छा जेनेटिक टेस्टिंग पे ये है कि जिसका मैंने बताया होल जीनोम सिक्वेंसिंग होल एग्जोम सिक्वेंसिंग ये दो मॉडलिटीज हैं जो कि इट्स वेरी हाईली प्रिसाइज. और एक जो न्यू एक वो है इसमें एक है टारगेटेड सिक्वेंसिंग भी एक टर्मिनोलॉजी. अब ये कि एक जो कन्वेंशनल है उसमें तो आपको हर डिजीज और है इतनी ज्यादा चीजों का हमें नहीं पता चलता. तो इसलिए होल जीनोम सिक्वेंसिंग होल एग्जोम सिक्वेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये अगर आप अर्ली स्टेजेस पे करें तो आप डिजीज को उसके अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके मुताबिक आप जो फ्यूचर स्ट्रेटेजी वो बना सकते हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स है ना वो आप उसके साथ कर सकते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है अर्ली जो है ना आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जेनेटिक स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा मेरे जाती कोई पर्सनल एक एक्सपीरियंस ये है कि मेरे दोस्त वैसे तो मैं गवर्नमेंट सेटअप में काम करता हूँ तो काफी ज्यादा पब्लिक सेक्टर में ये इस तरह के केसेस आते हैं. लेकिन अभी रिसेंटली जो मेरा हुआ था मेरे दोस्त उनकी बेटी इनको सिंस बर्थ डे जो है पेंटेड डिलीवरी थी और फिट्स काफी फिट्स के साथ थी डिफरेंट इंडियन लेफ्ट थे मल्टीपल एडमिशन भी हुए थे. देन वी गो फॉर द जेनेटिक टेस्टिंग और हमने होल जीनोम सिक्वेंसिंग की और होल जीनोम सिक्वेंसिंग डिफिशियंसी आई और उसमें हमें वो पता चला कि ये मसला है. तो हमने बायोटीन शुरू किया नाउ शी इज क्वाइट इम्प्रूव्ड. उनकी फैमिली के लिए भी एक लिविंग वो है कि और जाहिर है तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जेनेटिक टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जो लेकिन वो भी एक डॉक्टरी कंसल्टेशन के बाद. जेनेटिक फेलो डॉक्टर्स के लिए हमारे लिए कि जेनेटिक टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके लिए ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट ज़ाहिर जरूरी है और डिफरेंट जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ एक लेजान होना चाहिए.